हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको बात बात पे चिढ़ होती है, बात बात पे गुस्सा आता है, किसी को डांटने का मन करता है, कोई आपसे कुछ पूछता है तो आपको ऐसा लगता है कि मैं ही क्यों बताऊं, या फिर कोई अपना कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू आपके पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा अलग बोलता है तब भी आपको गुस्सा आता है, तो इट मीन्स मे बी यू हैव प्रॉब्लम ऑफ हाई बीपी, या फिर आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको बेवजह इतनी ज़्यादा चिढ़ हो रही है तो इट इज मे बी ड्यू टू हाई बीपी। तो इस वीडियो में हम कुछ योगास देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, क्या क्या खाना है, क्या क्या नहीं खाना है। इससे पहले कि हम कुछ योगास देखें, हम ये जान लेते हैं कि वजह क्या क्या होती है। मे बी ड्यू टू कि ये हाई बीपी भी ऐसा हो सकता है कि आपके रिलेटिव में किसी को है तो उससे ट्रांसफ़र हो रहा है। लेकिन मेन वजह इसके अलावा ये भी हो सकती है कि ओवर ईटिंग कर रहे हैं, ओवर वेट, मतलब वेट ज़्यादा बढ़ गया है, या फिर ये भी हो सकता है कि आप ज़्यादा स्पाइसी, ज़्यादा सॉल्टी, एसिड फूड्स इनटेक कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप हाई डाइट प्रोटीन, हाई डाइट वाली डिश ले रहे हो, डाइट ले रहे हो, बट उतना आप अपनी एनर्जी यूज़ ना कर रहे हो। तो कई बार ये होता है कि हमसे कंट्रोल नहीं होता। मे बी ये भी हो सकता है कि ओवर एज्ड हो गए हों, मे बी, बट ड्यू टू ये हमारी लाइफ रूटीन पे वो करता है। अगर हम अपनी लाइफ रूटीन अच्छे से बैलेंस कर पाते हैं तो एज डजेंट मैटर कि उसमें कोई गुस्सा आएगा या फिर ज़रूरी है कि एज होने पे बीमारियाँ आएंगी, ये ज़रूरी नहीं है। जस्ट अगर हम अपना रूटीन अच्छे से फॉलो करते हैं, अपनी डाइट अच्छे से लेते हैं, अपना खुद को डिसिप्लिन रखते हैं तो बीमारियाँ आए एज के साथ, ये ज़रूरी नहीं है। तो कुछ योगा सबसे पहले देख लेते हैं। अगर आपको बहुत गुस्सा आता है तो सिंपल से इस पोज में थंडरबोल्ट पैरों को फोल्ड करके, ऐसे पैरों को फोल्ड करके सिंपली थंडरबोल्ट या इसे हीरो पोज कहते हैं, सिंपली बैठ जाना है, सांसों को ध्यान से गौर फरमाना है, अपनी पीठ सीधी रखनी है सबसे पहले जो, और कुछ देर के लिए ऐसे बैठना है तसल्ली से। कितना भी आपका माइंड उछल कूद करे, थोड़ा कंट्रोल करो। अगर इफ़ यू वांट कि योर बीपी मस्ट बी इन कंट्रोल्ड, यू हैव टू लिटिल स्ट्रगल फॉर दैट ना। ओके, आवर नेक्स्ट योगा इज चाइल्ड पोज। थंडरबोल्ट पोज से ही डायरेक्ट आगे की साइड फॉरवर्ड बेंड लेना है, और अपने सर को मैट पे भी रख सकते हैं, और अगर इतना कंफर्टेबल नहीं हो रहा तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर बोथ द हैंड्स, और अगर कंफर्टेबल हो तो एक हाथ पे रखें। फिर सो थोड़ा देर इस पोज में बैठना है, सांसों पे ध्यान देना है। इट विल इनहेंस योर फोकस, इट विल स्मूदन योर नॉट ब्रीदिंग बट ऑल्सो मेंटल एक्टिविटी। तो शांति से रिलैक्स होके कुछ देर इस पोज में बैठना है, सांसों पे ध्यान देना है, प्लस प्रकृति की हलचल को ऑब्जर्व करना है। ओके, सो आवर नेक्स्ट पोज इज वन लेग फॉरवर्ड बेंड। सिंपली ट्राई टू एक पैर को फोल्ड करना है, एक पैर को ओपन रखना है, और ट्राई टू टच योर नोज विद नीज, बट इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, यू आर नॉट एबल टू टच, ट्राई, जस्ट ट्राई। ओके, ट्राई टू टच योर नो टॉयल्स, और मे बी टच, आइदर यू कैन होल्ड एज यू मच यू कैन फील कम्फर्टेबल, जैसा आपको कम्फर्टेबल हो वैसा ही जस्ट ट्राई टू फॉरवर्ड बेंड। ओके, इनहेल करना है यहाँ आके, एक्सहेल, फिर से ट्राई, इनहेल करना है यहाँ के, एक्सहेल। पहले भी सांसों पे ध्यान देना है, अपने ब्रीदिंग्स पे ध्यान देना है, और यही इस पैर के साथ भी करना है, मतलब सच। ओके, ये वाला पैर फोल्ड कर लेना और ये वाला पैर ओपन कर लेना, जितना कंफर्टेबल हो उतना फॉरवर्ड बेंड होना है, और सांसों पे ध्यान देना है, एक्सहेल हियर। ओके, ट्राई अगेन, इनहेल हियर एंड देन एक्सहेल, स्मूथली अपने पैरों, अपनी सांसों पे ध्यान देना है, अपने आप पे ध्यान देना है, अपनी मेंटल एक्टिविटी, कितना हलचल मच रही है इसके अंदर, और जस्ट यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर पॉइंट ऑफ व्यू टू। ओके, सिंपली एक और आसन देख लूँ, पद्मासन। आइदर यू कैन डू हाफ पद्मासन, हाफ लोटस पोज, और यू कैन डू फुल लोटस पोज। सिंपली ऐसे
या फिर आइदर यू कैन डू लाइक दिस, इनहेल, होल्ड ऑन एक्सहेल, इनहेल अगेन, जितना कंफर्टेबली फील हो स्मूथली इनहेल करना है, नॉट प्रेशराइज योर सेल्फ, एंड होल्ड एंड देन एक्सहेल. ओके, सिंपली कुछ देर बैठना है तसल्ली से, अपनी बातों अपनी मेंटल एक्टिविटी को समझने की कोशिश करना है. इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड योर मेंटल एक्टिविटी, यू कैन अंडरस्टैंड अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू टू. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम खुद की ही नहीं मेंटल एक्टिविटी समझ पाते हैं, तो दूसरों के समझने में तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, है ना. तो चलो अब ये देख लेते हैं क्या क्या हमें डाइट में लेना है और क्या क्या नहीं लेना है. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें क्या क्या नहीं लेना है. तो गर्म चीज़ें, स्पाइसी, ज़्यादा नमकीन, ऐसा ज़्यादा ऑयली, ऐसी चीज़ें जो आपका ओवर वेट बढ़ाती हैं, रेड मीट एंड ATC, ऐसी चीज़ें नहीं लेनी है. एंड क्या क्या लेना है, यू कैन टेक ग्रीन वेजीज, फ्रूट्स, जितना हो सके वाटरी फ्रूट्स, वाटरी वेजिटेबल्स लेनी है. ओके, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बनाना एंड चेरीज, एंड इसके साथ यू कैन टेक डार्क चॉकलेट टू, एंड समटाइम्स इफ़ यू वॉन्ट यू कैन टेक फिशेज, दैट इज़ गुड, बट डोंट टेक मच सॉल्ट, सॉल्टी थिंग्स. ज़्यादा नमक डाल के ज़्यादा स्पाइसी, मतलब बनाना है खाना, बट वैसे नहीं कि उसमें बहुत ज़्यादा नमक झोंक देना है, ज़्यादा स्पाइसी बना देना है, ज़्यादा ऑयली बना देना है, ये सब नहीं करना, अवॉइड करना है. बट यू कैन टेक, प्रोटीन के लिए अच्छा सोर्स है, विटामिन्स, कई विटामिन्स के लिए भी अच्छा सोर्स है. नॉन वेज वैसे अवॉइड करेंगे कुछ दिन तो बेटर रहेगा, क्योंकि यू मस्ट हैव फर्स्टली कंट्रोल ऑन योर फिजिकल हेल्थ, देन यू कैन टेक कंट्रोल ऑन योर मेंटल हेल्थ. एंड इफ यू वंस यू कैन टेक योर मेंटल हेल्थ कंट्रोल, यू कैन कंट्रोल एनीथिंग, राइट. सो इसी के साथ बाय, टेक केयर, मीट यू नेक्स्ट वीडियो. टिल दैट कीप स्माइलिंग एंड स्प्रेड हैप्पीनेस.